Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So yeh presentation jo hai Aleema Khan, sister Aleema Khan aur Imran Khan ke liye hai. Imran Khan aapki behan jo hai unhone hamara program dekha tha Fayaz Walana ka 12th khiladi Canada mein aur unko program acha laga usme main tha Fayaz Walana sahab the aur usme humne Pakistan ke jo education system usko hum kaise change kar sakte hain uske upar baat hui thi. So, please, your presentation, dekhiye. We have been working over here for the past almost 1.5 years now. Alhamdulillah, I have been very successful. So, please, aap isko dekhiye aur aap mujhe bataiye ki agar aapke paas phir bhi kuch sawalat hain, to aap mujhe bataein. Mukhtalif angle se hum logon ne government of Pakistan ko approach karne ki koshish ki hai, agar Allah Taala ne usko successful nahi kiya, usme Allah ki taraf se masle hai, right? So, ab jaakar humne जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनको भी प्रपोजल जमा कराया, उनको मैंने बुलाया भी, इनको प्रपोजल भी दिया जब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान में था. इस दफ़ा मैं फरवरी में पाकिस्तान आ रहा हूँ, फ्रॉम 3rd of February टिल 23rd of February मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में होऊंगा, ऑन माय वे फ्रॉम टर्की इंशाल्लाह. सो आप अगर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इसके बारे में, तो वी आर ऑल फॉर इट इंशाल्लाह. सो ये प्रेजेंटेशन मैं शुरू करता हूँ और फिर अगर आपके इसके बावजूद भी कुछ सवाल हैं, आपकी बहन जो हैं उनको प्रेजेंटेशन दे दी गई है, आई बिलीव दैट वो आपके पास आएंगी इसको लेकर. अगर आपके इसके अलावा भी इसके पास सवाल हैं तो आप प्लीज़ मुझे अप्रोच कर सकते हैं. जज़ाकल्लाह खैर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो ये अलनाफ़ी की प्रेजेंटेशन है अलीमा ख़ान और सिस्टर अलीमा ख़ान और इमरान ख़ान के लिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. अलनाफ़ी जो है इट्स ये कंपनी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जो सारे जो बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने बनाई है. जितने भी फाउंडर्स हैं उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है. हमने अपने पैसों से ये बनाई है और अपने पैसों से ही हम लोग इसमें काम कर रहे हैं. हमने किसी से कोई फॉरेन पैसा नहीं लिया, ना हमें लेना है अल्हम्दुलिल्लाह. सो मकसद हमारा ये है कि दुनिया में इस वक्त जो लेटेस्ट जो अभी ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन का, उस पर हमने फोकस किया है. और 2022 में जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं उनकी वजह से दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस हो रही हैं. हमने ये देखना है कि हम ऐसा क्या काम करें कि पाकिस्तान में और OIC की जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो मुसलमान रहते हैं वो कामयाब हो जाएँ. तो इसलिए हमने ये अलनाफ़े का पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया और हमारा सारा फोकस इसी के ऊपर है. याद रखिए कि जितने भी इसमें फाउंडर्स हैं वो सब के सब अपनी फील्ड के माहिर हैं और वो सब अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और उनके पास एम्पल एक्सपीरियंस है, एज अ सी लेवल एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है बाहर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का. आई माई सेल्फ हैव बीन वर्किंग इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप यू नो फॉर द पास्ट 2 decades आई वुड से. सो मोर देन दैट द पॉइंट इज़ कि ये सब चीज़ें वो हैं जो जिसमें हम काम कर चुके हैं. हमने बहुत पैसे बनाए, अल्लाह का बहुत फ़ज़ल हुआ हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ज़ल होता चला जा रहा है. तो अब हम उस चीज़ को अपने मुल्क में शेयर करने के लिए काम कर रहे हैं. ओके सो जो जॉब फैमिलीज ऑन द डिक्लाइन है आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मैथमेटिकल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन, सेल्स रिलेटेड, ये सब जो हैं दुनिया में इस वक्त तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं. जो जॉब ऑन द डिक्लाइन है वो जो जिसमें प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान की भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं और पाकिस्तान के जो बाहर बहुत बड़ा डायस्पोरा जो बाहर काम कर रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही हैं कि इसी में ज़्यादातर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो हमारा मकसद ये है कि हम किस तरीके से पाकिस्तानी और बिलखसूस मुसलमानों को सिक्योर कर सकें. ऑटोमेशन आ रही है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन से नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं. ऑटोमेशन से रेपिटेटिव टास्क ख़त्म होंगे लेकिन नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं और वो होंगी, और आइंदा 10 सालों में 600 मिलियन से ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगी. तो हमने अपने बच्चों को, अपने बड़ों को उसके लिए प्रिपेयर करना है और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. याद रखिए कि अब जो दौर आ रहा है उसमें मिनिमम हर शख्स को 3 महीने, साल में 3 महीने, ऑलमोस्ट 101 डेज की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर वो अपना स्किल सेट अपडेटेड रखना चाहता है, राइट. तो इसलिए अलनाफ़े का जो पूरा फोकस है, जो अलनाफ़े एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक मैसिव ओपन सोर्स आप कह सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि हम वो तमाम स्किल्स
एक स्केल पे ऊपर जाकर पूरे दुनिया में मुसलमानों को दे सकते हैं, इस पे हमारा पूरा फोकस है, राइट। मैं स्किल्स को, मैं प्रेजेंटेशन को जल्दी से स्लाइड थ्रू कर रहा हूँ, आपको डिटेल प्रेजेंटेशन डेक दे दी गई है, आपको ये एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशन ग्रिड है, डेक है जो मैं आपको दे रहा हूँ क्विकली। एज़ यू नो के अभी टिम कुक ने भी ये बात की थी जो एप्पल का CEO है कि डिग्रीज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, आपको पाइथन के स्किल्स आने चाहिए, आपके मैथमेटिकल स्किल्स हों, आपके पास कोडिंग आपको अच्छी तरीके से आती हो, आपको जो दूसरे साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, अगर ये सारे स्किल्स हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली जो फ्यूचर वर्कफोर्स है वो कंसिस्ट करती है और जो आगे जाकर जिस पर काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, और यही हमारा फोकस है। इट इज़ नॉट नेसेसरी के जितने फाउंडर्स हैं उनकी तरह वो MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, प्रिंसटन या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, नहीं। अब जो दौर आ रहा है वो स्किल्स का दौर है, इवन स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, इन सबको भी पता चल गया। दैट इज़ वाई इन्होंने अपने ओपन सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिसपे लोग लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पैसे लेके पढ़ा रहे हैं। यही मकसद हमारा भी है, मगर हमारा जो मकसद है वो उर्दू ज़बान में और मुख्तलिफ जो रीजनल डायलेक्ट्स में पढ़ाया जाए। अल्लाफे के इस वक्त मतलब कि मकसद यही है कि जो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, इमर्जिंग इकोनॉमीज में बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेसिकली ऑनलाइन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग काम करती है, राइट। और याद रखिए कि OIC की जो इकॉनमी है, जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं, इट्स एन ऑलमोस्ट 29 to 30 trillion dollars, एक बड़ी इकॉनमी है। इस इमर्जिंग मार्केट्स में इनोवेशन अभी तक टैप नहीं हुई है, बिकॉज हुई काम नहीं हुआ है। अब बहुत सारा काम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी मौजूद हैं। अगर हमारे जो स्किल फोर्स जो हम तैयार कर रहे हैं, यही लोग कल को फेसबुक, एप्पल, गूगल अपना बना सकते हैं इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए, यही हमारा मकसद है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग अपने आप को री इनोवेट करें इन द सेंस कि हम उसमें आगे बढ़ सकें। इसलिए हमारा जो सारा फोकस है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर है, और इसी के ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। अलनाफे का जो गोल है पाकिस्तान के लिए, वो अगले 5 सालों में 50 मिलियन पाकिस्तानियों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाए और पढ़ाया जाए। और OIC कंट्रीज़ के लिए हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, अरबिक ज़बान में हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, टर्किश, स्वाहिली, पश्तो, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इन सब तमाम मुख्तलिफ ज़बानों में हमने काम शुरू कर दिया है। हमारा मकसद ये था कि हम एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म बनाएं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिए। अब हम उसके, और जो स्केल हो सकता है अराउंड 500 मिलियन तक आप उसको स्केल करके लेके जा सकते हैं, राइट। इट्स अ बैटल टेस्टेड, बैटल हार्डन्ड सिस्टम जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से चाहते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा आखिर में। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ISO की एक्रेडिटेशन करना है, ताकि जो भी हमारे साथ से पढ़े वो सर्टिफिकेट, अभी तो हम एक सिंपल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जब वो पढ़ के जाएगा, जब हमारी एक्रेडिटेशन हो जाएगी, तो उसके वो सर्टिफिकेट दुनिया में माने जाएंगे हर जगह, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर स्ट्राइविंग राइट नाउ फॉर। सो ये काम कैसे करता है? सिंपल है कि जो लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोकल रेजिडेंस है जिनका, ठीक है, वो 2,500 रुपये में हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होते हैं, अपनी हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेम्बर बनते हैं। हम उनको पूरा पूरा पाथवे बताते हैं कि इनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ, सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, और वो अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करते हैं, लर्निंग एंड अर्निंग जर्नी भी शुरू करते हैं। हमने इसको एज बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी इसके ऊपर हम लोग क्लाउड पे अपना बना रहे हैं। इस वक्त हमारी ग्लोबल एनरोलमेंट जो है 51,000 पे चली गई है, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। 2020 में हमारा टारगेट है कि हम मतलब कि 50 मिलियन का जो हमारा टारगेट है, हम उसको पूरा लेके जाए, आगे तक फैलाए, अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे पास प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ें। जैसे मैंने आपको बताया, लोकल पाकिस्तानी जो है वो 2,500 रुपये सालाना देता है, यानी कि 200 रुपये महीना, यानी कि 6 से 7 रुपये रोज़ के आपके बने, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप सारी एजुकेशन हमारे पास हासिल कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जो ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ रहते हैं, वेरेवर दे आर, उनके लिए $104 फ़ीस है। और जो दूसरे कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं, अभी हमारे अरबिक का पूरा पोर्ट तैयार हो गया है, हमारी सऊदी सर्कल्स में, सऊदी गवर्नमेंट मुख्तलिफ सर्कल्स में बातचीत भी चल अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और हम उनको 1 लाख के करीब लाइसेंसेज अपने $100 के हिसाब से बेचेंगे, उस पर भी हमारा पूरा प्लानिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है। टर्की में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं,
फ्रेंच और स्वाहिली के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. स्वाहिली जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ में बोली जाती है. स्पेनिश पे हम लोग काम कर रहे हैं. पोर्चुगीज़ जो ज़बान है ये भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है OIC कंट्रीज़ के अंदर. और इंडोनेशिया और मले के अंदर भी हमारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अगले साल फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी. पश्तो की रिकॉर्डिंग जो है हमारी जनवरी से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज़ मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो पेखबर से है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली, बिकॉज़ वहाँ पर जो बहुत सारे मदारिस के बच्चे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे पेखबर के अंदर इतनी उर्दू क्लियरली नहीं बोली जाती. हमारा मकसद ये है कि भाई उनको भी सर्कल में लेकर आएँ हम लोग, उनको भी समझाएँ, उनको भी सिखाएँ, उनको भी पढ़ाएँ. हमारा मकसद ये है कि हम ग्लोबली 1 बिलियन मुस्लिम्स के ऊपर फोकस है हमारा, 1.8 बिलियन मुस्लिम के ऊपर, और हम 1 बिलियन मुसलमानों तक इसको पेनिट्रेट करना चाहते हैं. सो हम मेरी ये ओपन आपको ऑफर है. मैंने आसिफा बेग जो हमें नमल की जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको अलीमा ख़ान ने अप्रोच किया, उनको बताया, उनसे पूछा. उन्होंने मुझे अप्रोच किया आसिफा ने और मुझसे कहा कि मुझे सारी चीज़ें चाहिए, आप प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें. मैंने उनको भी ऑफ़र दी थी, मैंने अपने डिजिटल पाकिस्तान के पूरा क्रिटिक भी मैंने ऑफ़र की कि किस तरह से डिजिटल पाकिस्तान का काम होता है, उसके अंदर भी मैंने बताया और मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ. पाकिस्तान डजन हैव द मनी, पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है. आप जो डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो इसी तरह हो सकता है अगर पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना रोल प्ले करें. ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें OIC की तमाम कंट्रीज़ के अंदर हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं, राइट. मकसद हमारा ये है कि वहाँ से जो भी पैसे आएंगे हम पहले पाकिस्तान से शुरू करेंगे और फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपने सारी चीज़ें खोलेंगे. हमारा मकसद ये है कि OIC जितनी कंट्रीज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए. दिस इज़ ट्रमेंडसली, जो हम चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें हम करवा रहे हैं, वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख, 2-2 लाख डॉलर के कोर्सेज़ हैं अगर आप पूरा ट्रैक करते हैं. ये पूरा ट्रैक हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो 100 US डॉलर्स में जो पढ़ता है. और हमारा 2020 का टारगेट है कि हम लोग 10 मिलियन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आए इंशाल्लाह. सो यू कैन डू द मैथ. और मैं 50% जो प्रॉफिट है हमारा मैं पाकिस्तान में लेकर आके उतारूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं अफ्रीका में जाऊंगा, मिडल ईस्ट में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ जाऊंगा और इस तरह सबको कनेक्ट करते जाऊंगा. हमारा मकसद है कि हम एक ऐसी ग्लोबल कंपनी बने कि जिसमें R&D का काम हो, पढ़ाई का काम हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज़, Tier 3 and Tier 4 डेटा सेंटर्स, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, ये रिन्यूएबल एनर्जी, वेलबींग फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, ये तमाम का काम जो है डेटा साइंस और AI को यूज़ करते हुए तमाम OIC की जो कंट्रीज़ उनको कनेक्ट किया जाए आपस में. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना उम्मतुल वाहिदा, यानी कि अल्लाह ताला उनको भेजा एक उम्मत के लिए. ये एक उम्मत का यही प्लेटफॉर्म हमने एक उम्मत को जोड़ने के लिए बनाया है, राइट. तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिए आप. दिस इज़ अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप क्या कर सकते हैं. मुझे पाकिस्तान से एक फ़ंड भी नहीं चाहिए, मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, नहीं चाहिए कुछ भी फ़ंड. ऑल वी नीड इज़ अ पार्टनरशिप कोलेब्रेशन कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आए, हमसे हाथ मिलाए, बोले भाई हाँ ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमने की असेसमेंट की है, आपके सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो सब हमसे बातचीत कर चुके हैं, सब लोग बातचीत कर चुके हैं, ठीक है. मगर ब्यूरोक्रेसी जो है, जो इंतहाई करप्ट है, वो रोकती है, वो आगे काम जाने नहीं देती, ठीक है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ब्यूरोक्रेसी है. आप चाहे अच्छे रूलर्स बिठाते हैं, आप अच्छे मिनिस्टर्स बिठाते हैं, आप खालिद महमूद सिद्दीकी साहब को आपने बिठा दिया, बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, बट द पॉइंट इज़ कि वो ये लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक ब्यूरोक्रेसी वो नहीं होगी. एंड वट वी नीड इज़ वी नीड टू एलिमिनेट दिस ब्यूरोक्रेसी कि लोग आएँ, काम करें, परफॉर्मेंस बेस्ड उनका काम हो. इफ़ दे कैन नॉट शो परफॉर्मेंस दे शुड बी किक्ड आउट बिकॉज हम लोग अपना मुल्क का जो फ्यूचर है वो दाव पे नहीं लगा सकते इन लोगों की वजह से. तो ये देखें आपको मैं क्या बता रहा हूँ, पार्टनरशिप कोलेब्रेशन करें आप समझ, दैट्स इट. जो लोग पाकिस्तान में फीस दे सकते हैं हमें दें, 2,500 रुपये सालाना, यानी कि 200 रुपये महीने के हिसाब से तमाम कोर्सेज पढ़ सकते हैं, एक नहीं. जो नहीं दे सकते, हमारा अपना ज़कात फंड है, हम किसी से ज़कात, फितराना, खैरात, चैरिटी नहीं लेते, नाम लेंगे, हमें नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा असूल है, मैं ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ठीक है. पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर किसी को अपने ज़कात फंड से पढ़ाना चाहती है, बिल्कुल बैतुल माल उनके पास है, दे कैन डू दैट. पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने पास लैब्स खोले, इतने सारे गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ लैब्स बनाए. वी डोंट नीड सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. हमें सिंपल एक ऐसी लैब चाहिए जिसमें आपके पास बेशक 5 साल पुराने कंप्यूटर हों, i5 हो, i3 हो, it doesn't matter,
वो सारा हमारा क्लाउड पे वैसे ही काम होगा, क्लाउड पे लोग बच्चे उनको सिर्फ ऐसा हो कि बस ब्राउज़र खुलता हो, उस ब्राउज़र में वो सारा काम कर सकते हैं जो हम लोग अपना क्लाउड बना रहे हैं, ठीक है। उस पर वो प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, उस पर वो AI भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्ट करे टेलको कंपनीज़ को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बजाय इसके कि फहाशी और रियानी के लिए रात को 12 से सुबह 6 बजे तक वो इंटरनेट खोल देते हैं और लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, इसके बजाय उनको बोलें कि भाई 24 आवर्स इंटरनेट चल रहा होगा हर किसी के पास, ठीक है, लेकिन एक ही वेबसाइट खुलेगी अलनाफे की। अलनाफे गवर्नमेंट के साथ कोलेब्रेशन करे, alnafe.com.pk वट एवर द केसेज, हम एक वेब्स एक पोर्टल बना सकते हैं जिसमें लोग आएँ, बैठें, पढ़ें, अपनी पढ़ाई करें, सो ऑन एंड सो फॉर, 24 आवर्स खोल दें। दिस इज़ द ओनली, देखें पाकिस्तान में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खोलने से कुछ नहीं होगा। आप रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं, ये मैं पिछले आपको पिछली गवर्नमेंट मतलब कि पिछले साल जब मैंने आपको प्रपोजल जमा कराया था आपकी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, यही उसमें बात लिखी हुई थी। ये बहुत ओल्ड स्लोगन्स हैं, एवरी वन नोज दिस। द पॉइंट इज़ कि अगर आपने पाकिस्तान को चेंज करना है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा कौम का दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा आवाज़ में ज़ोर दिया है, और आपको जो यंग जनरेशन है सुनती है, मानती है यार, ठीक है। आप उनसे बेहतर है जो पुराने रूलर्स आए जिन्होंने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया पुराने पॉलिटिशियंस ने, और कुछ नहीं किया, सब कुछ कर सकते थे कुछ नहीं किया, ठीक है, इसलिए कि उनको ग़ुलाम बना के रखा। आप एम्पावर करो लोगों को एजुकेशन देकर, हमारी पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं घरों में बैठी हुई, एम्पावर करो उनको, दे कैन बिकम साइबर हैकर, दे कैन बिकम सो मच, सो मेनी थिंग्स। अलनाफे के जो कोर्सेज हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो 50,000 से 1,25,000 तक उनकी कीमत है, उनका उनकी वैल्यू है, पाकिस्तानियों के लिए 2,500, लोकल पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ उनके लिए $104, और सिटीजन अदर कंट्रीज़ भी $104 दे रहे हैं। जो नहीं दे सकते उनका हमारा ज़कात फ़ंड है जो हम फी वेवर एट alnafe.com पे हम कर देते हैं। ये सारे ट्रैक्स हैं, डिटेल प्रेजेंटेशन में हमने तमाम ट्रैक्स को डिटेल में बताया हुआ है कि साइबर डिफेंस क्या है, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक थ्रेट हंटिंग क्या है। ये तीन ट्रैक्स जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के लिए इतने मुफीद हैं कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की वेल डिसिप्लिन आर्मी बन सकती है। जब हम ये सारे जो हम लोग हैं ना, GCHQ कनाडा का जो जो CSIS है, GCHQ जो UK की इंटेलिजेंस जो सर्विसेज हैं उसकी, MI5, FBI, NSA, इन सब के लिए हमारे जो फाउंडर्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम कर चुके हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। ये सब चीज़ें पढ़ने से हमारी पाकिस्तान आर्मी वेल डिसिप्लिन आर्मी बन सकती है, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ की आर्मी वेल डिसिप्लिन आर्मी बन सकती है। आपको ख़ुद भी पता है कि दो महाज, तीन, एक ज़माना था दो दो महाज होते थे, हर्बुल मदन, हर्बुल जबल। हर्बुल मदन शहरी कार्रवाई, हर्बुल जबल यानी कि पहाड़ी कार्रवाई, राइट। अब आता है हर्बुल साइबर, ये मैंने खुद बनाया है, यानी कि अरबी के अंदर बोलते हैं कि साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सब लोग तैयार हों। आप जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ये सारे के सारे जो ट्रैक्स हैं कवर करते हैं टोटली। यू नीड IT रिस्क मैनेजमेंट, यू नीड IT गवर्नेंस, यू नीड IT ऑडिट, यू नीड साइबर डिफेंस, पेन टेस्टिंग, स्केडा फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, ML एंड AI, सब चीज़ें। देखें कोई भी चीज़ अगर आपने कामयाब करनी है तो उसकी 3 एरियाज़ हैं, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। आप पीपल लोगों को तैयार करें, प्रोसेसेस बनाएं, प्रोसेसेस बने हुए हम लोग उनको अडॉप्ट करेंगे, देन टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में ये दूसरी चीज़ें लाने से, PayPal हम लेकर आ रहे हैं, Amazon, इससे मसला हल नहीं होगा, नहीं। व्हाट वी नीड इज़ डेटा रेजिडेंसी, डेटा सॉवरेंटी लॉज जो आप लोग फॉरन से बना सकते हैं, ट्विस्ट द हैंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर काम करती हैं, गूगल, Amazon, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, के किसी भी पाकिस्तानी का डेटा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। आई बीन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स फॉर क्वाइट सम टाइम। आप सिर्फ लेजिस्लेशन से ही पूरे पिछले एक एक अगले 12 महीने में पाकिस्तान में चीज़ें चेंज कर सकते हैं। 200 मिलियन प्लस की हमारी आबादी है, ये सब की सब जो जो बाहर जो कंपनीज बैठी हुई हैं इनको पता है पाकिस्तान की वैल्यू, दे नो कि 200 मिलियन प्लस की आबादी है, कितना सारा डेटा है इनके पास कि हम ये लोग आके टैप कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज डेटा इज़ द नेक्स्ट ऑयल। आप उनको वो करें तो आप देखें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, हमारे फाउंडर्स आपकी हेल्प करेंगे, यार हम कब से बोल रहे हैं, नो वन इज़ लिसनिंग, नो वन इज़ लिसनिंग। सो प्लीज़ सोचिए इसके ऊपर। इनकी डिटेल प्रेजेंटेशन में हमने तमाम को बताया हुआ है, आप सारे एक्सपर्ट्स को बिठा के दिखा दें। मैं आपको दावे से कहता हूँ पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स नहीं है इसको पढ़ाने वाले, और 2,500 रुपये में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अगेन ये 2000
2020 का है. 2021-2022 में हम रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन, इस पर मैंने बहुत काम किया है. ऑगमेंटेड कंप्यूटिंग एंड ऑगमेंटेड सिक्योरिटी, ये मैंने स्टैनफोर्ड से काम किया, इसको लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में. ऑटोनमस व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो हैं दुनिया में माने जाने वाले, डॉक्टर दिशान अलहसन उस्मानी ने हमें ज्वाइन किया, वो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं. एंड नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट टेक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आप वाइट बॉक्स स्विचेस लें, लिनक्स उस पर डालें, लिनक्स पर काम करें, पाकिस्तान की पूरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी यार, पूरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मगर इस पर काम करना है. फाइनली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, स्कूलिंग का, एजुकेशन है. जब आप किसी को स्कूल ही नहीं भेजते तो आप, सबसे बड़ा मसला वहीं से शुरू होता है. इट टुक अस 4 ईयर्स टू ई क्रिएट द होल कॉन्टेंट, जो हमने पूरा बनाया, सब कुछ किया, राइट. पाकिस्तान में जो बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, अगर आपने उनको ब्रेक करना है, ये जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जो स्कूल्स चला रही हैं, स्कूल के सिस्टम चला रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये महीना बच्चों की फीसें लेते हैं. अल्लाफे ने स्कूल बनाया है, डिज़ाइन किया है, जिसमें ऑन साइट स्कूल है, आप ऑन साइट भी है, ऑनलाइन भी है, आप उसमें पढ़ेंगे. ISO 21001:2018 का स्टैंडर्ड से एक्रेडिटेड होगा, जिस पर हम काम कर रहे हैं. पाकिस्तान में एक भी स्कूल नहीं है जिसके पास ये एक्रेडिटेशन है. बाहर मुल्कों में होती है, पाकिस्तान में एक भी स्कूल नहीं है, नहीं है, ठीक है. द अदर थिंग इज, फ्री बुक्स मिलेंगी आपको, बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है. स्कूल में फीस एक ही है, कोई एडमिशन फीस नहीं है, बच्चा आया, पढ़ा, गया घर, अल्हम्दुलिल्लाह. कैरिकुलम जो पढ़ा रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप का है कैरिकुलम पढ़ा जा रहा है. हम देखें, एक ज़माना था मुसलमान गोल्डन एजेस में रहते थे, यूरोप डार्क एजेस में था, राइट. आज से 600-700 साल पहले लोग इराक में अपना इलाज कराने जाते थे, बगदाद में दे यूज़ टू हैव द बेस्ट हॉस्पिटल्स. बगदाद वो था जिसने ये जो USMLE का जो इम्तिहान है ना, सबसे पहले उन्होंने डिज़ाइन किया था, USMLE की तरह. USMLE ने तो उस सिस्टम को USA ने कॉपी करके, प्लैब UK ने कॉपी करके बनाया, मगर वो जो एग्ज़ाम पास करता था उसको मेडिसिन प्रैक्टिस करने की इजाज़त होती थी. आप अंदाज़ा करो कि लोग वहाँ वेस्ट से ईस्ट इलाज करने आ जाते हैं, आज ईस्ट से वेस्ट लोग इलाज करने जाते हैं, ठीक है. हमारे तो हुक्मरान ऐसे हैं कि उनको कोई भी काम करना हो तो वो ईस्ट में करते नहीं, वो जब वेस्ट चले जाते हैं, ये उनके हालात हैं, ठीक है. ईस्ट में हुकूमत करते हैं लेकिन जाते हैं वहाँ पर हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे नहीं हैं, अल्लाह का बहुत फजल है. और मैं आई फील प्राउड कि यार मैं, मतलब कि यू आर अवर लीडर, ठीक है. बट यू हैव टू सेट अप द, यू नो, किसी और को फॉलो करने के बजाय हमारे मुसलमानों के एक ही बेसिकली आइडियल हैं, वो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट, अल्लाह के आखिरी रसूल, उसको फॉलो करना है हमको, ठीक है. बी अ मैन ऑफ योर वर्ड. मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और रास्ते दूसरा मुसलमान महफूज रहे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है कि वो बुज़िल हो सकता है, बखील हो सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है, वो अपने पड़ोसी का ख्याल करेगा. ये तीन चीज़ें अगर हम मुसलमान पाकिस्तान में कर लें, हम कामयाब हो जाएंगे पूरी दुनिया में. ये जो चीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे, अगर आप हमारा साथ देंगे हम जल्दी ले आएंगे, लेकिन अगर आप हमारा साथ नहीं देते हम वैसे भी अपना लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह. बट दिस विल डिसरप्ट द होल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है. बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में कहें कि हम यूनिफाइड कैरिकुलम बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई हम आपको कैरिकुलम बनाए दे देते हैं, ठीक है. इंटरनेशनल्स के ऊपर जब ये कुफार आए तो उन्होंने तो हमारी सारी तालीमात को ऐसे ही अपना लिया और वो मेहनत करके पढ़ के आगे निकल गए. हमें ये सारी साइंसी उलूम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सब की सब चीज़ें जो हैं, मैथमेटिक्स, अलजबर जो मोहम्मद मूसा अल-ख्वारज़्मी, ये सब की सब मुसलमानों की इजाद हैं, राइट. मुसलमान तो दुनिया में आए ही पढ़ने के लिए, इक़्रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी ख़लक़, पढ़ने के लिए आया, अल्लाह की शरीयत के निफाज़ के लिए आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने के लिए आया. ये तो तीन ही तो काम है मुसलमान के, राइट, तीन ही काम है. प्लीज़ इस पर गौर कीजिए, इस पर आप देखें, मुझे बताइए, आपको कोई भी सवालात है मैं हाज़िर हूँ. ये प्रपोज़ल आपके पास चला गया है, मुझे सिर्फ आपके साथ 15-20 मिनट चाहिए. मैं फरवरी में आ रहा हूँ, अगर आप अवेलेबल हैं मुझे प्लीज़ बताइए, आई विल कम टू यू इंशाल्लाह. जज़ाकअल्लाह खैर. अदरवाइज़ यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू माई हाउस एज़ वेल, इट डज़न्ट मैटर. आप मेरे पास आना चाहते हैं आ जाएँ, आप, मैं आपके पास आऊँ कोई मसला नहीं है. जो भी है, वट एवर द केसेस, आप मुझे बताइए इंशाल्लाह, हम फिर मुलाकात करेंगे. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.